नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ नवी मुंबई, और नवी मुंबई में बेलापुर। और आप सभी को पता ही होगा जो मेरे पुराने दर्शक है कि जब भी मैं बेलापुर आता हूँ इसका मतलब होता है कि हम देखने वाले हैं प्लॉट्स। बिल्कुल सही सुना, वी आर गोइंग टू रिव्यू सम प्लॉट्स। दिस टाइम वी आर विजिटिंग प्रॉपजोन, अनदर फर्म जो कस्टमर की मदद कर रही है जिन्हें प्लॉट चाहिए इन एंड अराउंड नवी मुंबई। तो जाएंगे उनके ऑफिस में। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वन प्लैटिनम, वहां पर है उनका ऑफिस। ऑफिस है 6th फ्लोर पे, 612 इज द नंबर। वहां पर जाएंगे, समझेंगे उनसे, स्टाफ से, कि लोकेशन क्या है, ऑफिस भी देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे लोकेशन पे। लोकेशन पे जाते वक्त हम देखेंगे कि कौन से लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन द वे, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं, और उसका क्या बेनिफिट होगा। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दिस इज प्योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी आप उसका एंड यूज नहीं कर पाएंगे। आप अगर वहाँ पर ज़मीन लेते हैं, यू विल बी द कस्टोडियन फॉर अ ब्रीफ पीरियड, इवेंचुअली अ गवर्नमेंट बॉडी विल बाय दैट लैंड बैक फ्रॉम यू एंड दे विल प्रोवाइड यू अ कॉम्पेंसेशन एज पर मार्केट रेट। उस वक्त जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कॉम्पेंसेशन में लोगों को हिस्टोरिकली डेवलप प्लॉट्स भी मिले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो ज़मीन लेगा उसको मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन के साथ साथ डेवलप लैंड भी मिलेगा, अलॉन्ग विथ अ गुड FSI, वहाँ पर जाके फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रपोजल है। अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आपने कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इसका टेन्योर ज़्यादा हो सकता है, 3 साल 5 साल, उसके 6-7 साल भी बढ़ सकते हैं। तो ये सोच के निवेश कीजिएगा। लेकिन अगर आपने पहले किया है तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मुझसे भी ज़्यादा पता होगी, क्योंकि गुड़गांव में ऐसा हुआ है, मोहाली में हुआ है, बहुत सारे जगहों पर सेम स्कीम में लोगों ने ज़मीनें खरीदी एंड इवेंचुअली दे गेव इट बैक टू द गवर्नमेंट बॉडी, और उनको एक तगड़ा मुनाफा मिला है। तो ऐसा ही कुछ है, चलिए जाते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों दिस इज प्लैटिनम वन, एंड आप यहाँ से जब आएंगे तो सीधा यहाँ पर आप पहुँचेंगे, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी है, और ऑब्वियसली आपका एक डिटेल्स लिए जाएंगे कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं। वहाँ से आपको सीधे जाना है, एलिवेटर है, देर इज अ स्टाफ मेंबर हु विल हेल्प यू, एक्सेस कार्ड का सिस्टम है, तो सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है इस बिल्डिंग में, लेकिन वहाँ से आप अंदर जाके फिर 612 में पहुँच सकते हैं। तो चलिए जाते हैं 612, आइए। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम प्रॉपजोन के ऑफिस में। ऑफिस है 6th फ्लोर पे, ऑफिस का नंबर है 612। यहां से हम एंटर करेंगे और आपको ऑफिस का कंप्लीट रिव्यू देंगे। आइए, ये है आपका एंट्रेंस, और यहां पर है रिसेप्शन। एज यू एंटर यहां पर आप सीटेड होंगे, आपके डिटेल्स लिए जाएंगे एज अ कस्टमर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एंड अ स्पेशलाइज पर्सन विल बी असाइन टू यू जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दिस इज द सिटिंग लाउंज वेयर यू हैव कॉन्वर्सेशन विद द स्टाफ मेंबर्स। आप अंदर आके देख सकते हैं, सो देर आर प्लेंटी ऑफ स्टाफ मेंबर, वेल ट्रेन प्रोफेशनल एनवायरमेंट है, एंड दिस इज वेयर यू नो दे विल टेक डाउन द डिटेल्स। ये उनका अलग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वेयर दे विल गिव यू अ प्रेजेंटेशन अबाउट द लोकेशन। सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की जाएगी यहाँ से, एंड ऑब्वियसली वंस यू गेट टू नो अबाउट ऑल द डिटेल्स, उसके बाद साइट विजिट प्लान की जाएगी। यहाँ से आपको व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी, समवन विल असिस्ट यू ऑन साइट, विल शो यू द लोकेशन, एंड दैट्स व्हेन वंस यू आर सैटिस्फाइड वी विल गेट इनटू बिजनेस कॉन्वर्सेशन। तो अब ये ऑफिस तो आपको दिखाकर हो गया, अब हम जाएंगे एक्चुअल साइट लोकेशन पे, आपको दिखाएंगे ऑन द वे। जैसे मेरी वीडियो की शुरुआत में कहा ना, दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ बाकी की जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है इस लोकेशन में, उससे काफी बूस्ट मिला है। तो वो अभी आपको दिखाएंगे और एक्चुअल लोकेशन भी दिखाएंगे, लेट्स गो। दोस्तों हम ऑफिस से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आ गए, और ऑन द वे ना यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आप देख सकते हैं कि सामने जो मेन एयरपोर्ट की बिल्डिंग है उसका काफी काम हो चुका है, और ऐसा अनुमान है कि By this year end और next year first quarter, यानी 2025 मार्च तक एटलीस्ट जो कार्गो फ्रेट है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और 2025 के अंत तक पूरा
एयरपोर्ट है ऑपरेशनल हो जाए, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी शहर अच्छा डेवलप होता है उसका मेजर क्रेडिट जाता है एयरपोर्ट को, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते हैं और एयरपोर्ट के अराउंड का जो एरिया है वो अब डेवलप हो रहा है अंडर नैना। MMRDA बॉडी है वो डेवलप कर रही है, सिडको डेवलप कर रही है, तो काफ़ी रिजर्व जगह बन रही है फॉर लॉजिस्टिक्स पार्क, फॉर फ्रेट कैरियर्स, काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस के लिए जगह एलोकेट हो रही है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे जाते हैं, आगे कुछ देर में हमें अटल सेतु भी मिल जाएगा। वैसे आपको ये ट्रेन लाइन भी बता दूं कि यहाँ से ना ट्रेन जाती है टिल उरन, तो ये भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है। वैसे जो खारकोपर और बामन डोंगरी जो उल्वे के रेलवे स्टेशन थे वहाँ तक तो ट्रेन ऑपरेशन थी, लेकिन इस साल जनवरी में टिल उरन तक उसकी कनेक्टिविटी दे दी गई है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन अब इनफैक्ट जा रही है, तो ये लोकल ट्रेन है, फ्रीक्वेंसी फिलहाल एक घंटे में एक ट्रेन जाती है, लेकिन ठीक ठाक है, जैसे ही लोग बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते। तो दोस्तों एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको अटल सेतु का एग्जिट मिल जाएगा, यानी अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो 20 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। वैसे इस लोकेशन का नाम है चिरले, इसे चिरले जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है टुवर्ड्स पनवेल और ये रास्ता जाता है उल्टी तरफ JNPT। तो अब हम उल्टी तरफ जाएंगे JNPT की तरफ, क्योंकि जिस प्लॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस रोड पर है। JNPT तो काफ़ी आगे पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से आई थिंक लगभग 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर हम पहुँच जाने चाहिए। यानी अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो मान के चलिए 25 से 30 मिनट में आप लोकेशन पर पहुँच जाओगे अटल सेतु से, ठीक है। यानी अगर अटल सेतु से शुरुआत करते हो तो अब जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आसपास में रेलवे स्टेशन भी है तो वो भी आपको बताते हैं। चलिए तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं प्लॉट की लोकेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉप जोन का बोर्ड लगा है और यहाँ पर है सारे प्लॉट्स जो फिलहाल है फार्म लैंड। और जैसे मैं हर मेरे प्लॉट के वीडियो में कहता हूँ ना, जैसे ही आप सेल्स डीड में जाते हैं द ट्रांजैक्शन जो होगा वो कम्प्लीटली NA पे होगा, यानी बकायदा आपके सेल डीड पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी वहाँ पर लिख कर आएगा दैट दिस इज़ NA लैंड। तो यहाँ पर प्राइसेस के बारे में अगर आपको बता दूँ 2 लाख से शुरुआत हो रही है, डिपेंडिंग आप कौन से साइड में ले रहे हैं। ऑब्वियसली आप थोड़ा इंटीरियर में लेंगे तो कीमतें कम होंगी। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी इफ़ यू गो अ लिटिल फर्दर 2 लाख से कम में भी आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ट्रस्टेड नाम है, लेकिन मैं जैसे हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप कोई NA प्लॉट या फिर एक फार्मलैंड को NA प्लॉट में कन्वर्ट करते हो तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, एक 7/12 यानी 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, उसे देख लीजिए, उससे आपको ओनरशिप का पता चल जाता है। वो आप किसी लॉयर को, प्रॉपर्टी लॉयर को भी बता सकते हैं। उसके अलावा फेरफार होता है, उसके अलावा गट नकाशा होता है, सर्वे रिपोर्ट होती है, पेपर में ऐड दिए जाते हैं, तो ये सारे प्रोसेस भी वो करेंगे, लेकिन आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या होता है, देखिए आपके मन में सवाल होते हैं कि अगर ये ज़मीन की कीमत बढ़ने वाली है तो किसान क्यों बेच रहा है, वाई इज ही सेलिंग इट। और ये काफ़ी वाजिब सवाल है, क्योंकि किसी के भी दिमाग में ये सवाल आएगा। उसके ऊपर मेरा रीजनिंग ये है कि 2 लाख या 2.5 लाख या 1.5 लाख ये आपके लिए कीमत शायद कम होगी, लेकिन जो किसान है उसके लिए सफिशेंट है, ज़्यादा है, इसलिए आज वो बेच रहा है। कुछ किसान हैं जो नहीं बेचेंगे, दे हैव दैट होल्डिंग कैपेसिटी, उनको पैसे की ज़रूरत है, वो नहीं बेचेंगे। तो ऐसे भी किसान हैं यहाँ पर, फार्मर्स हैं जो नहीं बेच रहे, कुछ फार्मर्स बेच रहे हैं, तो इसलिए ये कंपनी आपको वो ट्रांजैक्शन में मदद कर रही है। लेकिन समझिए, किसी को प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए वो बेच रहा है, किसी को ज़रूरत है इसलिए वो बेच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो आपको अपने लॉयर को पेपर्स दिखा दीजिए, ज़रा भी डाउट होना नहीं चाहिए बिफोर यू गेट इनटू एनी फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन।
सिडको की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, सर्वे नंबर ले सकते हैं, उनके वेबसाइट से आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गांव कौन सा सर्वे नंबर किस जोन में आ रहा है। वो भी आपको मैंने प्रीवियस जो व्लॉग्स बनाए थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मन में बिल्कुल भी डाउट है ना, तो वेबसाइट्स पे जाइए, वहां से मैप निकालिए, उस मैप में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर जब आप मन आपका बना ले तो वो डिटेल्स अपने लॉयर को बता दीजिए, वो देख लेंगे, आपको गो अहेड दे देंगे। इतनी सी सिंपल बात है, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और कैपेबिलिटी, तो वैसा ही कुछ है। अब हम जाएंगे यहाँ से, आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ क्योंकि रेलवे स्टेशन भी बहुत नज़दीक है, और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टिविटी का क्या स्कोप है। वैसे यहाँ से बसेस भी चलती थी, अब फिलहाल थोड़ा बारिश का टाइम है तो शायद उस वजह से बंद की है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको जो ऑटो रिक्शाज वगैरह है, ये देखिए ऑटो रिक्शाज वगैरह यहाँ से जाते हैं, फ्यूल स्टेशन वगैरह सब कुछ है, लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पर काफ़ी है। तो मुंबई में जितना भी आप अमेजोन वगैरह से जो सामान खरीदते हो ना, वो यहाँ पर स्टेशन होता है और फिर आपको डिलीवर होता है। सिर्फ अमेजोन ही नहीं, फ्यूल वगैरह सब कुछ यहाँ पर स्टोर होता है, तो ऐसा कुछ है ये लोकेशन। चलिए जाते हैं आगे। तो दोस्तों पहुंच चुके हम रांझणपारा रेलवे स्टेशन, ये सामने आप देख सकते हैं, इसके पहले और एक रेलवे स्टेशन लगता है नावाशेवा, जो उस लोकेशन से बिल्कुल नजदीक है। क्या हुआ ना, बीच में हम जा रहे थे और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई, तो हमको वी हैड टू स्टॉप मिडवे, एंड देन हम वहां से थोड़ा आगे आए, हमने सोचा कि दूसरी तरफ से रेलवे स्टेशन दिखाते, लेकिन अब पता चला कि इस साइड में एंट्रेंस नहीं है रेलवे स्टेशन का, उस साइड से ही है, लेकिन ठीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है और जो ट्रेन मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी ना, वही ऑपरेशनल है। अब आपको थोड़ी डेवलपमेंट दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो हाईवे से हम आए थे ना, ये वो हाईवे है और आगे जाकर अटल सेतु है, तो ऐसा कुछ कनेक्टिविटी है। नवी मुंबई इज़ डेवलपिंग रियली फास्ट, थर्ड मुंबई इज़ डेवलपिंग रियली फास्ट। तो कुछ भी डाउट हो, जो नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉल कीजिएगा और उसी पर कॉल कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। एक एक डेवलपर या एक फ्लैट की इन्फॉर्मेशन देना आसान होता है, क्योंकि मुझे भी पता होता है कि आप कौन से बिल्डर कौन से डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो। व्हेन इट कम्स टू लैंड, उसका 7-12 किसके नाम पर है ये मुझे पता नहीं होता, क्योंकि आप जब जाएंगे बात करेंगे आपको कौन सा पसंद आएगा, आई वुडंट नो। तो वो जो सारी डिटेल्स है ना, ये आपको खुद वैलिडेट करनी होगी या फिर आपने किसी लॉयर से वैलिडेट करा लीजिए, तो ऐसा कुछ है। और आई होप जो डाउट्स थे वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ट्यून इन रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।